हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का पराठा। थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ अगर ये रेसिपी को बनाया जाए तो ये जितनी यम्मी होती है ना उतनी ही परफेक्ट भी बनेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बिल्कुल इजी तरीके से मूली के पराठे इतनी परफेक्टली हम कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे की डो लगा करके रख लेंगे। सबसे पहला स्टेप यही होता है। उसमें सिंपली हमको डो लगानी है। हमें थोड़ा सा नमक उसमें ऐड करके और हम एक अच्छी सी सॉफ्ट सी डो लगाएंगे, क्योंकि डो जो होती है वो जितनी सॉफ्ट लगती है फटने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। तो आपने देखा कि मैंने इसमें कोई मोयम वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ नमक डाल करके नॉर्मली पानी से मैंने इसे गूंद लिया है। उसके बाद अब हम मूली पे आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मूली के जो रेशे निकले होते हैं उसे निकाल करके चाहे छील करके उसके बाद उसे धो लेंगे। फिर हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे ताकि हमें इसे ग्रेट करने में आसानी रहे। और इसके बाद हम इसे मीडियम साइज़ वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। जैसे मूली के पराठे बनाते समय प्रॉब्लम होती है ना कि स्टफिंग जो होती है उसमें से पानी रिलीज़ होता है, आप इस तरह से बनाइए, इसमें से पानी निकलने वाली समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नमक को हम इसमें अच्छे से मिला करके 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाला था। नमक डालकर छोड़ देने से ये जो मूली है ना, ये जितना पानी रिलीज़ करना होगा ना ये कर देगी। और फिर मैंने लगभग 7 मिनट बाद चेक किया तो ये देखिए मूली ने काफ़ी सारा पानी निकाल दिया है। अब हम इस पानी को जो है ना उन हाथों से निचोड़ करके अच्छे से निकाल लेंगे सारा पानी। हम इसको अच्छे से दबा दबा करके निकालना है। तो मूली में से इसी तरह से पूरा पानी निकाल लेंगे हम और इसे एक अलग कंटेनर में रख देंगे। और उसके बाद ये देखिए मूली में से कितना सारा पानी निकला है। तो आप चाहे तो इस मूली और नमक वाले पानी से भी आप अपने डो को लगा सकते हैं। वैसे मैंने इस पानी को हटा दिया है क्योंकि मैं डो ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। तो ये रही हमारी वो मूली जिससे हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। ये देखिए बिल्कुल ड्राई ड्राई, बिल्कुल सूखी सूखी है ना। तो चलिए अब हम इसमें मिलाएंगे सारे मसाले। देखिए कितनी खिली खिली लग रही है ना। तो चलिए इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले मैंने ये धनिया था जिसे बारीक चॉप कर लिया है, हरा धनिया, और उसे हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद ये है ग्रीन चिली, हरा मिर्च जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग ही यूज़ करें, जैसा आप तीखा खाते हो वैसा। और इसके बाद ये है बारीक कटे हुए मूली के पत्ते, जिसके स्टेम वाले पार्ट को हटा करके मैंने सिर्फ सॉफ्ट वाली मूली के पत्तों को इस्तेमाल किया है और उसे बारीक कट करके इसमें डाला है। ये इसमें टेस्ट बहुत अच्छा ले आता है। वैसे मूली के पत्ते की चटनी भी बहुत टेस्टी होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि जो हमने नमक डाला था वो सारा नमक तो लगभग निकल गया, इसमें थोड़ा ही नमक बचता है। तो हम थोड़ा नमक इसमें और यूज़ करेंगे। और ये है आमचूर पाउडर, हम इसे भी इसमें ऐड करेंगे। ये लगभग 1/2 चम्मच से थोड़ा कम है। और ये है धनिया पाउडर, ये लगभग 1.5 टेबल स्पून है। और ये है लगभग 1/2 चम्मच घिसा हुआ अदरक, ग्रेटेड अदरक, मतलब कि आप इसे फाइन चॉप भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये है बारीक कुटी हुई काले मिर्च, ये लगभग 1/2 टीस्पून है। हम इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको मिला देंगे। सारे मिक्सचर को मिलाने से पहले मैं इसमें एक चीज़ डालना तो भूल ही गई, और वो है अजवाइन। तो ये है लगभग 1/2 चम्मच अजवाइन जिसे मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है, और उसके बाद हम इसमें मिला देंगे। अजवाइन जो है ना वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इस मिक्सचर को अच्छे से और हल्के हाथ से मिला लेंगे। अगर इसके बाद भी आपका मिक्सचर अगर थोड़ा गीला लगे आपको तो आप इसमें 1 टेबलस्पून आटा मिला सकते हैं। आटा डालने से आपके टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये जो एक्स्ट्रा इसमें पानी होता है उसको भी अब्सॉर्ब कर लेगा, तो मिक्सचर जो है वो बिल्कुल ड्राई ड्राई रहेगा। तो अब हम आटे की मीडियम साइज़ की लोइयां तैयार करेंगे, मतलब जो रोटी से थोड़ी बड़ी हो, तो लोइयां तैयार करेंगे। और इसको सूखे आटे में डस्ट करते हुए अंगूठे से दबाते हुए अंदर के साइड एक गड्ढा सा बनाएंगे। इसके अंदर ही हम स्टफिंग को रख करके इसमें फिल करेंगे। तो
तो ये देखिए मैंने कितने अच्छे से रेडी किया है ना। इसी के अंदर हम स्टफिंग को रखेंगे। तो ये देखिए मैंने स्टफिंग को इसमें डाल दिया है और इसे भी अंगूठे से अंदर के साइड पुश करते हुए अब किनारों को जोड़ देंगे आपस में। और दूसरे हाथ को गोल गोल घुमाते हुए ये देखिए और इसे अच्छे से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। इसी तरह से आटे के अंदर स्टफिंग को फिल किया जाता है। इसके बाद इसमें सूखा आटा लगा करके हल्का सा इसे फैला देंगे, अपने हाथ से फैलाए या चकले पे रख के फैला लें आराम से, ये आपकी मर्ज़ी। और उसके बाद हम इसे बेलेंगे, धीरे धीरे बेला जाता है इसको। ये देखिए इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए धीरे धीरे हम इसे बेल लेंगे। हमेशा हल्के हाथ से ही स्टफ्ड पराठों को बेलना चाहिए। ये देखिए मैंने बहुत ना मोटा है ना बहुत पतला है। तो पराठे बेलने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर एक तवा रख करके उसे गर्म करेंगे और उस पर अपने पराठे सिकने के लिए डाल देंगे। ये देखिए, और जब एक साइड हल्का सिक जाएगा तब हम उसे पलट लेंगे और तब उस साइड पर घी लगाएंगे, घी, बटर, ऑयल, जो भी आप चाहे। ये देखिए मैं धीरे धीरे इस पर स्पून की मदद से लगा रही हूँ, कम ज़्यादा आप जितना लगाना चाहे ये आपकी मर्ज़ी। पराठे जो है वो मीडियम फ्लेम पे सेकना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि हाई फ्लेम पर ये जलने लगेगा और लो फ्लेम पर ये हार्ड हो जाएगा। तो हमने अभी से पलट लिया है और दूसरे साइड भी हम उसी तरह से इसमें लगा देंगे ऑयल या घी, जो भी आप चाहे। ये देखिए और अब ये फूलने लगा है। यही इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि हमारा पराठा जो है वो बहुत अच्छी तरह से स्टफ हुआ है। देखिए कितने बढ़िया से ये फूल गया है ना। बस थोड़ी सी ट्रिक लगाना है और आपका पराठा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह से हम अपने सारे पराठे बना लेंगे। और ये देखिए ये भरा है ना बिल्कुल अंदर तक, बिल्कुल अच्छे से। तो आई होप आपको मेरी ये टिप्स काम आए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही डिशेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। बाय बाय।